तो नाउ द ग्रेविटेशन में आपका कुछ नहीं है, ग्रेविटेशन में आपका बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, इनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन का, अगर आप नाम ने सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टीन, ये जर्मन अमेरिकन फिजिशियस थे, इन्होंने सीरीज ऑफ थ्योरी पे काम किया, एडवांस जो सीरीज ऑफ थ्योरीज थे उन्होंने प्रपोज किया, एंटायरली न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द स्पेस टाइम एंड ग्रेविटेशन के, उनकी जो थ्योरीज थी रिलेटिविटी और ग्रेविटेशन पे थी। तो एल्बर्ट आइंस्टीन नहीं, इन्होंने तो देखो न्यूटन्स ग्रेविटेशन कुछ नहीं है, आपने कल पढ़ा था जो क्वेश्चन किए थे न्यूटन का, आपका फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ आपने किया था, फर्स्ट लॉ आपने देखा था न्यूटन का क्या था कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज आपका नाम स्टेशनरी इट विल बी रिमेन स्टेशनरी व्हाइल द एक्सटर्नल फोर्स विल बी नॉट अप्लाइड ऑन दैट, और इफ एनी बॉडी इज इन मोशन इट विल बी रिमेन इन मोशन व्हाइल द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। दूसरा आपने पढ़ा था न्यूटन सर की दूसरी जो लॉ होती है एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, या सेकंड को फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन का रिलेशन भी कहते थे। थर्ड आपने न्यूटन सर का पढ़ा था कि उसमें एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड इसी में न्यूटन्स लॉ ऑफ अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है। सब नाउ दिस एडवांस ओल्ड न्यूटन की फिजिक्स पे आपका इसको कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज आपका इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। क्या है ये आपका नजर, एवरी बॉडी इज इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितने भी आपके बॉडीज हैं, जितने भी पिंड हैं, नाउ देखो अटैच ईच अदर, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, ईच अदर बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं विद अ फोर्स, अपनी फोर्स के साथ आप बना देखो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका नाम देखो टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉसेस, उनके मॉसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका नाम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये देखिए मैंने पेन तो नहीं रखा, ओके तो देखिएगा सर ये तो न्यूटन सर का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, एवरी बॉडी इज इन द यूनिवर्स अटैक्स ईच अदर नाउ विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉसेस। अगर आप इस थ्योरी को देखें आप ना, आपको अगर फॉर्मूले याद हैं फिजिक्स में भी और आपको डेफिनेशन याद है, डेफिनेशन से आप ये बना सकते हैं आपका। अब देखिए वन बॉडी, एक बॉडी आपका देखो ये बॉडी ए है नंबर वन आपका, इसका देखो मास आपका m1 है, और दूसरी बॉडी आपका ना देखो दिस इज बॉडी टू है या बॉडी बी है, इसका मास आपका देखो m2 है विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये देखो इन्होंने कहा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि one body has a mass m1 and the other body has a mass m2। ये देखो तो f is directly proportional to m1 into m2 हो गया, देखिए आपका नाम
एंगल, ये देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो इनके सेंटर से इसके सेंटर की जो दूरी होगी ये आपका देखो आर होगी, आर आर आपका देखो। तो दूसरा देखो प्रोपोर्शन इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब होता है वन अपॉन, जब इनवर्सली होगा ये देखो ये डायरेक्टली है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये आपका देखो इनवर्सली है। इनवर्सली का मतलब आपका ना जैसे रेसिप्रोकल की तरह काम करता है, ये वन अपॉन, तो वन अपॉन द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है आपका वो आर है, उसका स्क्वायर आपका हो जाएगा ना देखो, तो इनवर्सली में वन अपॉन। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट इन द यूनिवर्स एंड दे हैव द डिस्टेंस द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर से नापते हमेशा इनके इसके सेंटर से, तो ना द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर, एंड द मास ऑफ फर्स्ट इज एम वन एंड द मास ऑफ द सेकेंड इज आपका एम टू, सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नाउ इनको मर्ज कर दीजिएगा, मर्ज इक्वेशन नंबर वन इन इक्वेशन नंबर टू को मर्ज कर दीजिएगा। देखो F is directly proportional to M1 M2 over आपका देखो ये R square, R square, is it clear? तो इसको proportional का साइन हटाने के लिए ये देखो उन्होंने ये G दिया और ये आपका M1 M2 over आपका देखो ये R square, G is a constant, उन्होंने constant बोला, इसका नाम उन्होंने आपका देखो gravitational, उन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला, इसका नाम देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये देखो ये न्यूटन का कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि न्यूटन सर ने उस समय इसको दे दिया, अब देखो न्यूटन सर ने उसे, तो F is equal to आपका ना देखो कैपिटल G into M1 into M2 over R square, ये कि if the two bodies have the masses M1 M2 are kept at a distance of R, the force which is applying on them will be the product of the two masses of two bodies and inversely proportional to the squares of the distance between them, ye karke dono ko merge kar diya, merge karne ke baad dekho aapka m1 m2 over aapka now r square ho gaya, dekhiye aur uske baad isko hatane ke for removing this sign from here now we have multiplied it by g, isko gravitational constant iska naam diya hai, the value, ये जो the value of gravitational constant does not, ये आपका lie नहीं करती, आपका does not depends on the medium आपका ना दो between the two bodies, ये नहीं करती lie किसमें, ठीक हो गया जी? अब आपका ये हो गया, इसमें से निकल करके कई बातें आएंगी, देखिए आपका, अब आपका F is directly proportional to mass, अगर हम कहते हैं mass, अभी आप M1 और M2 में मत जाइएगा, तो directly proportional है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपका देखो मास, मास का मतलब मैंने एम ले लिया, सर आप एम वन एम टू भी ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, तो मास देखो इफ मास इज डबल, अगर मास को आप डबल कर देंगे देखो ये, तो नाउ देन फोर्स विल बी ऑटोमेटिकली डबल, मतलब अगर मास इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा, ये देखिए, और इफ मास इज हाफ, अगर मास हाफ हो जाएगा देन फोर्स इज हाफ, यानी कि अगर मास डिक्रीज करेगा तो फोर्स भी डिक्रीज करेगा, कैसे, ये देखिए आपका एफ इज डायरेक्टली आपका एम वन है, एम वन का मतलब आपने टू रखा, तो देखो जब एम वन आपने टू रखा तो फोर्स भी आपका टू हो गया, आपका डायरेक्टली को अगर मैं हटा करके यहाँ पे देखो एम किया मॉस किया आपने, ये कैपिटल एम ले रही है आपका, तो एम को दुगना करेंगे तो फोर्स भी दुगना होगा, एम को हाफ करेंगे तो ये भी आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है दीदी, इसके केस में भी दोनों के केस में हो जाएगा। नाउ दूसरी चीज देखिए, एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन आर, आर स्क्वायर यहाँ पे आर स्क्वायर करेंगे हम, आर इनवर्सली का मतलब आपका देखो वन अपॉन, इट वर्क्स आपका ना लाइक इन मैथमेटिक्स वन अपॉन, तो देखो अब देखो इसमें इनवर्सली भी क्या होगा, वन इज गोइंग टू बी इंक्रीज अनदर इज गोइंग टू बी डिक्रीज, इसमें दोनों ही बढ़ते हैं एक साथ और दोनों ही घटते हैं, इसमें एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, याद रखिएगा, और एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है,
देखो कैसे यहाँ पर एफ इज इक्वल टू मैं यहाँ पे आपको देखो वन अपॉन मैंने थोड़ी देर के लिए इसको हटा दिया तो देखो आर इफ आर इज डबल अगर आर को आप डबल कर देंगे तो देखो डबल डबल का मतलब आर का मतलब आर इज इक्वल टू करो तो देखो टू का स्क्वायर तो देखो ये आपका क्या होगा वन अपॉन फोर एफ तो देखो फोर्स विल बी वन बाई फोर R को डबल करने में देखा आपका फोर्स 1 बाई फोर हो रहा है और देखो इफ R इज हाफ अगर देखो F इज इक्वल 1 अपॉन R स्क्वायर है देखो तो 1 अपॉन हाफ का स्क्वायर देखो एक हाफ का स्क्वायर आप मैथ वाले बच्चे हैं आपका देखो 1 अपॉन 4 यहाँ पे देखो फॉर्मूला A बाई बी बाई सी जब अलग होता है ए सी बाई बी हो जाता है सो इट विल कम अप 4 1 जा 4 तो देखो आपका ये 4 हो जाएगा तो देखो जब R हाफ होगा हाफ हाफ तो हाफ का स्क्वायर करेंगे देखो तो ना ये आपका फोर्स विल बी फोर टाइम्स ग्रेटर फोर टाइम्स ये वन बाई फोर्थ टाइम हो जाएगा ये वन बाई फोर्थ टाइम होगा देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है एक घटता है तो दूसरा भी घटता है लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में वन इज गोइंग टू बी इंक्रीज देन द अनदर विल बी डिक्रीज तो आइस का देखो 1 बाई 4 होगा क्योंकि वो आर रेडियस का आपका स्क्वायर था इज इट क्लियर तो इफ द डबल डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1 बाई 4 एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आपका ट्वाइस दुगना करेंगे इट विल आपका बिकम 4 टाइम्स क्लियर है दीदी क्वेश्चन बिल्कुल भी घबराना मत आपका फोर्स इज इक्वल टू अभी अभी आपने फोर्स इज इक्वल टू पढ़ा है ना फोर्स इज इक्वल टू अब आपका फाइनल फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर ये आपका आया था अभी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द टू बॉडीज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन the distance, the squares of the distance between their centers. Okay. Okay. I have to just find out the value of the gravitational constant. So, देखो ये math तभी आता है क्योंकि g is in its own place, अपनी जगह में. ये ऊपर जाएगा देखो आपका half f r square over m1 m2 by cross multiplication से आपका it will come down on the next same. ये देखो. Clear है fine? अब आखिर इसकी जो आपकी एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आपकी जो तो देखो एफ का मतलब फोर्स न्यूटन क्योंकि न्यूटन सर नहीं आपको बताया था एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए भी देखो न्यूटन सर नहीं आपको बोला एफ इज इक्वल टू जी इनटू एम वन इनटू एम टू ओवर आर स्क्वायर आपका देखो ठीक है और आपका न्यूटन आर का मतलब डिस्टेंस तो डिस्टेंस आप किसमें मेजर करते हैं मीटर में तो आपका तो मीटर इनटू मीटर यानी कि मीटर का स्क्वायर आर का मतलब मीटर का स्क्वायर हो गया मास आप किस में करते हैं किलोग्राम में तो ना देखो किलोग्राम इनटू किलोग्राम हो गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर करते हैं किलोग्राम इनटू किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर हो गया आपका नंबर आर यू श्योर क्लियर तो ना अब इसका मतलब क्या हो गया कि देखो दो बॉडीज हमारे पास बॉडी ए है या बॉडी फर्स्ट भी लिख सकते थे आप बॉडी सेकेंड है या बॉडी बी मैंने देखो इसको अगर इसका मॉस हम एम वन इज इक्वल टू 1 केजी कर दें और इसका देखो एम टू इज इक्वल टू भी हमारा 1 केजी कर दें और इन दोनों के बीच के सेंटर की जो दूरी है वो आर इज इक्वल टू आपका देखो हम 1 मीटर कर दें 1 मीटर तो देखिएगा ये वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आप बना देखो जैसे अगर आपने देखो एफ इज इक्वल टू आपने देखो जी इंटू आपने एम वन इंटू एम टू और ओवर आपका नाम देखो आपने आर स्क्वायर किया एफ इज इक्वल टू देखो जी एम वन आपका 1 केजी है देखो इट इज ऑल्सो 1 केजी एंड डिस्टेंस आपका कितना 1 का मीटर स्क्वायर
आपका एजिट के लिए, तो आपका जो एफ इज इक्वल टू वन 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 सब कैंसिल हो गया, वन वन, तो देखो एफ इज इक्वल आपका क्या हो गया, एफ इज इक्वल आपका क्या हो गया जी। इसका मतलब द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, मैंने जी सी लिख दिया आपका नाम, देखो दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, ये आपका नाम देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एफ जो होता दैट इज फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच एक्सर्ट्स विच एक्सिस बिटवीन ये दो बॉडीज के बीच में आपका नाम क्या करता है, एक्सिस करता है आपका देखो ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास वन जो आपने लिखा, वन का मतलब यूनिट, ठीक है ना, यूनिट मासेस क्या अ यूनिट डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस का मतलब आर इज इक्वल टू जो आपने वन मीटर लिया देखो ना फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से जो एक मीटर की दूरी पे है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ये जो इसकी वैल्यू होती है, ये भी मैं निकालने बताऊंगा आपका, देखो 6.67 इंटू 10 टू द पावर नाउ माइनस 11, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है आपका। तो कभी कभी समी के नाश की हो आपका नाम आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल जी एंड द स्मॉल जी, कैपिटल जी, तो कैपिटल जी की वैल्यू आपका देखो ना ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, इट नेवर बी चेंजेस, पूरे यूनिवर्स में एक ही होगा, लेकिन अगर जी कोई बोलता है स्मॉल जी, तो स्मॉल जी का मतलब आपका नाम ग्रेविटी होता है आपका नाम, ग्रेविटी यानी कि क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू आपका ग्रेविटी, इसको कहते हैं आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वैल्यूज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैपिटल जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट व्हिच हैज अ वैल्यू 6.67 इनटू 10 टू द माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम से, देन जी ये आपका वेरी करता प्लेस टू प्लेस, जैसे यहां पे हो सकता 9.8 हो, दिल्ली में जाके 9.81 हो जाए, ऐसे ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है कि हम जो अर्थ के अंदर आपका कोर मेंटल ये सारी पड़ी चीजें क्रस्ट आपने पढ़ी होंगी, ईपी सेंटर से हम कितनी दूर हैं उसके हिसाब से आपका ग्रेविटी आपकी चेंज करती रहती है। इज इट क्लियर, फाइन। नाउ देखो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल एंड आपका ई, तो ये था आपका